फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हो पिकाचू का माशाल्लाह सर्दी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अभी आप देखो, देखिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उसके सर्दी में। तो आज मैंने इनका, जब आए थे तो मैंने स्लोली स्लोली इनका दूध स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में मुझे इनको सिरिंज से देना पड़ा था। तो एक दो दिन सिरिंज से हैबिट देते हैं, क्योंकि ये खुद से नहीं पी रहे थे दूध, फर्स्ट टाइम था शायद इनके लिए। तो सिरिंज से दिया, और आज देखना है कि ये खुद से पीते हैं या सिरिंज से ही पिलाना पड़ेगा। तो मेरा जो भी लाइव एक्सपीरियंस है वो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। अब तक तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल, जो सुनता था बाकी यूट्यूब चैनल पर वही सब शेयर करता था। तो आज इंशाल्लाह मैं लाइव बताऊँगा कि ये लोग कितना सिरिंज से पियेंगे और कितना खुद से देना कितना खुद से पियेंगे और कितना सिरिंज से देना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, वीडियो एंड तक देखिए। तो अभी फ़िलहाल ये अदंत बच्चे हैं, तो मैं इनको पाँव पाँव लीटर ही देने का सोचा हूँ। तो ये दूध जो है अमूल का दूध है, आपको भैंस का दूध नहीं देना है, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है वो, उनको एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है। आपको इन्हें अमूल दूध जो होता है बेस्ट, वो गाय का दूध देना है वो, और 200 ml से लगभग आपको शुरू करना है स्टार्टिंग में। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो ये अमूल का एक पैकेट है हाफ लीटर का, ये मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। और आप, बेहतर होगा अगर आप इसे थोड़ा गर्म कर ले और फिर ठंडा होने रख दें, और फिर बाद में, पहला ऑप्शन ये है कि आप बकरे के सामने रखें, अगर बकरा खुद से उठाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको सिरिंज में डाल के पिलाना है। अभी ये गर्म है, मैं इसे ठंडा कर दूंगा ये बाउल में रख के, और फिर मैं 30 ml का सिरिंज है मेरे पास जो मैंने PNS से लिया है उसमें डाल के मैं आपको बताऊँगा कि सिरिंज के थ्रू बकरे को कैसे दूध पिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिरिंज है 30 ml का जो आपको PNS से मिल जाएगा। ये मैं अभी स्टार्ट एडवांस में सिरिंज में लेके रखता हूँ ये, और अभी देखते हैं, पहले मैं बकरे को खुद पिलाने का कोशिश करूँगा, अगर वो पीता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं सिरिंज से पिलाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं अभी पिकाचू के सामने रख रहा हूँ, पहले देखता हूँ पीता है कि नहीं। माशाल्लाह ये लोग तो पी लिए खुद से, बाप रे ये लोग तो दूध के शौकीन हो गए। तो मुझे सिरिंज से पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार सिरिंज डाल के बताऊँ, सिरिंज से पिला के दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये है पिकाचू और ये मैं सिरिंज में दूध भरा हूँ। आपको हल्का सा साइड में डालना है और ये खुद ही बकरा पीना शुरू कर देगा, और स्लोली स्लोली इंजेक्ट करना है। ये आराम से पी लिया बकरा। आपको हमेशा ये जो साइड वाला होता है, साइड का गाल, यहाँ से हल्का सा इंजेक्ट करना है। मेक श्योर कि आप बकरे के हर्ट मत करें। तो ये सिरिंज से पिलाने का तरीका था। अभी मैं पूरा दूध पलट दूंगा अपने बाउल में और दोनों को ऐसे ही डाल दूंगा। माशाल्लाह ये खुद से पी लगी। तो फ्रेंड्स, पिकाचू तो नहीं पिया, गोलो माशाल्लाह पी रहा है। अभी गोलो को देख के पिकाचू भी शायद वापस आए। पिकाचू ने कम पिया है तो मुझे उसको सिरिंज से और देना पड़ेगा। फिलहाल गोलू अब सेल्फ ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। हो गया, ओके, ये भी गोलू भी डन हो चुका है। ले, तो पिकाचू ने कम पिया है फ्रेंड्स, उसको मुझे, थोड़ा सोच रहा हूँ 100 ml में उसको और दे दूंगा इंशाल्लाह।